नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग साथ में यूपी पुलिस से भर्ती विज्ञापन को लेकर के बात करेंगे। एक भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है, बाकी भर्ती के विज्ञापनों पर कार्य चल रहा है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर सकते हैं आप लोग, साथ में चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। प्रदेश में सिपाहियों व बेसिक शिक्षकों की जल्द होगी भर्ती। आप सभी जानते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग काफ़ी लंबे समय से की जा रही थी और लगभग 50,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है अप्रैल के महीने में। वहीं आप देखेंगे 26,000 सिपाहियों की भर्ती होगी, 26,210 कांस्टेबल और 172 फायरमैन की। विज्ञापन जो है मई के अंत में जारी होगा, क्योंकि अप्रैल तक जो टेंडरिंग की प्रक्रिया है, एजेंसी फाइनल करने की प्रक्रिया है, वो संभवतः कम्प्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो है सरकार से अनुमति अनुमोदन लेकर के मई के अंत तक विज्ञापन आपका जो है जारी कर दिया जाएगा यूपी पुलिस विभाग में कांस्टेबलों की। और इसमें 20% जो पद हैं महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। एक आप देखेंगे सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी की मुख्य परीक्षा 3 अप्रैल से है, 3 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में सम्पन्न होगी। चूँकि प्री एक में होता है लेकिन मेंस जो है अलग अलग होते हैं, तो उसी हिसाब से इसमें शेड्यूल होगा। आप देख लीजिएगा, जो भी इसमें छात्र आप देख रहे इंटरेस्टेड देखना चाहे आप, तो इस बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा इसकी। और मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि अब अगला जो नंबर है नई भर्ती का वो PCS का ही है। कांस्टेबल वाले जितने भी छात्र हैं तैयारी आप लोग करते रहिए। एक चीज़ यहाँ पे और देख लीजिए छूट गया है, अप्रैल मध्य तक जो एजेंसी चयन की प्रक्रिया है वो फाइनल हो जाएगी, मई अंत तक विज्ञापन आ जाएगा। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पर जुलाई में परीक्षा होगी, ठीक है, यानी मई में विज्ञापन, जुलाई में परीक्षा और दिसंबर तक अंतिम चयन परिणाम घोषित करने का लक्ष्य है। मतलब आप सभी के पास जो है जून तक का समय है अधिकतम, यानी मार्च छोड़ दीजिए आप, अप्रैल मई जून 3 महीने का समय आप सभी के पास है। तो तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि कंपटीशन जो है अच्छा खासा रहने वाला है। पेपर का लेवल अच्छा रहेगा, पेपर का लेवल जो है आप पिछला प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा, पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, तो तैयारी भी आपकी उसी तरह से होनी चाहिए। लोक सेवा आयोग ने PCS 2022 में 250 पदों के लिए मांगे हैं आवेदन। और एक देखेंगे यहाँ पर RO AR O मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, ये भी लोक सेवा आयोग से है। और एक हमने आपको ये बताई थी ऑलरेडी, और ये जो 250 पद इसमें अगर आप देखेंगे SDM के 39, डिप्टी SP के 93, BDO के 36, नायब तहसीलदार के 34, बेसिक शिक्षा अधिकारी के यानी BSA के 13, ARTO के 4, DPRO के 5, CDPO के 14। पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, कुछ तो सामान्य स्नातक के लिए पद होते हैं और जो विशेष पद हैं तो उनके लिए विशेष अर्हता वहाँ पर होनी चाहिए। लोक सेवा आयोग ने बुधवार को सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा PCS परीक्षा 2022 का विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुल 250 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, इसमें SDM के 39 पद हैं और 12 अप्रैल तक जो है ऑनलाइन फीस जमा कर सकेंगे आप, लास्ट डेट ध्यान दे लीजिएगा, उसके पहले ही आप आवेदन कर लें। आयोग सचिव जगदीश के मुताबिक यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा कोई वांछित या आवश्यक सूचना छिपाई जाती है या उसका मिथ्या निरूपण किया जाता है तो उसका अभ्यर्थी निरस्त किया जा सकता है, साथ ही उसके विरुद्ध अन्य उचित कार्रवाई शुरू की जा सकती है। PCS 2022 के ऑनलाइन आवेदन पत्रों की जांच में यदि किसी अभ्यर्थी ने एक से अधिक आवेदन किया तो भी उनका अभ्यर्थन निरस्त और कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे विवाहित पुरुष जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो या फिर ऐसी विवाहित महिला जिनकी एक से अधिक जीवित पति हो, ये लोग पात्र नहीं होंगे जब तक कि राज्यपाल उक्त शर्त से छूट प्रदान न करे। आवेदन की लास्ट डेट तक अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित कालम में करें। साथ ही कुछ पदों के लिए विशिष्ट अर्हताएं भी निर्धारित हैं। आयोग अभ्यर्थी आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं, upsc.nic.up.nic.in पर। बाकी जो डेली न्यूज होती है दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर भी जारी कर दी जाती है, वहाँ पर भी मैं शेयर कर देता हूँ। साथ ही साथ UP SSC का फेसबुक पेज, मैं वहाँ पर भी डेली का जो डेली न्यूज होती है पूरी मैं PDF वहाँ पर या पूरी मैं न्यूज की कटिंग वहाँ पर शेयर कर देता हूँ डेली का डेली। तो आप UP SSC का फेसबुक पेज है उसे आप ज़रूर लाइक और फॉलो करके ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक चीज़ और देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात कर लें UP SSC से, तो आप सभी को पता है कि अभी जो है होली के बाद एक रिजल्ट कंप्यूटर ऑपरेटर का कभी भी आ सकता है और मार्च के लास्ट तक जूनियर असिस्टेंट का परिणाम और मार्च के अंत तक की कैलेंडर की भी बात बोली गई है। उम्मीद है कि कैलेंडर भी जारी किया जा सकता है या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक।
जितने भी नए भर्ती के विज्ञापन जारी होने हैं या फिर परीक्षाएं होनी हैं सभी जो है इस कैलेंडर के अंतर्गत होंगे। और अप्रैल से जो है परीक्षाओं पर भी फोकस किया जाएगा और मुझे लग रहा है कि अप्रैल से ही आपको नए भर्ती के विज्ञापन भी देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे। तैयारी आप करते रहिए, जिस भी भर्ती की तैयारी आप कर रहे हो या फिर जिस भी भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो, और आगे की जैसे कोई भी अपडेट्स प्राप्त होगी तो आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से इसी प्रकार से सही और ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहेगी।